दोस्तों, क्या आप भी ड्रीम इलेवन में 49 रुपये लगाते हो और बाद में आपको 49 रुपये ही वापस मिलते हैं? दोस्तों, ऐसा आपके साथ नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। दोस्तों, 1.5-2 करोड़ लोग खेलते हैं। 1.5-2 करोड़ में से कम से कम 96% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। 49 रुपये की एंट्री उनको वापस मिलती है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा, ऐसा क्यों होता है? आप इतने साल से खेल रहे हो, ग्रैंडली खेल रहे, स्मॉली खेल रहे, 49 रुपये मिल रहे हैं आपको, और फिर भी आप खेल ही रहे खेल ही रहे। आपने कभी अपने दिमाग लगाया एक्स्ट्रा कि ये 49 रुपये 100 रुपये कैसे बनेंगे, 200 कैसे बनेंगे, या 500 कैसे बनेंगे? दोस्तों दोस्तों, अगर आपने अपना दिमाग नहीं लगाया तो थोड़ा दिमाग अपना लगा लो। मैं वीडियो में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जानकारी लाया हूँ और आपको मैं बता दूंगा, आपको 49 रुपये लगा के आप 49 रुपये को डबल ट्रिपल या ग्रैंड लीग कैसे विन कर सकते हो। दोस्तों, 49 रुपये लगा के ग्रैंड लीग जितना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। थोड़ा दिमाग लगाना आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखना आपको, और थोड़ा किस्मत पे भरोसा भी करना आपको अपनी, फिर आप आराम से ग्रैंड लीग विन कर लोगे। दोस्तों, ये एक स्ट्रक्चर है आपके सामने, इसको देखो आप स्ट्रक्चर को, और थोड़ा समझो। आप अभी सब कुछ समझ जाओगे कि आपको 49 रुपये लगा के 49 रुपये क्यों मिलते हैं। और मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है और मुझे पता है ग्रैंड लीग में क्या क्या करना होता है, कैसे कैसी टीम बनानी होती है और कैसे ग्रैंड लीग विन करते हैं। दोस्तों तो दोस्तों थोड़ा समझ लेते हैं। पहले आप समझिए, 96% और 4%। दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको दो आंकड़े दिखाए हैं। ये दो आंकड़े क्या समझा रहे हैं आपको? ये समझा रहे हैं कि 96% लोगों को मिलते हैं 49 रुपये और 4% लोगों को मिलते हैं करोड़ों लाखों। दोस्तों, ये जो 96% लोग हैं, ये आप लोगों आप लोग जो एंट्री डालते हो अपनी टीम में से, 49 भी कई बार तो 49 भी आप ही चले जाते हैं, कई बार तो आपके 49 रुपये वापस नहीं आते, और कई बार क्या होता है आपको 49 रुपये मिलते हैं। तो दोस्तों, 49 रुपये के लिए खेल रहे हो आप या करोड़ों के खेल रहे हो? अगर 49 के लिए खेल रहे तो कोई फायदा नहीं है दोस्तों। 49 रुपये को माने तो आप लगाओ जाओ रोज, 49 को मत रहो, साल 2 साल 3 4 4 साल खेलते रहो। हाँ, अगर आपको लाखों करोड़ों या 49 के 1,000 या 2,000 बनाने, तो आपको वीडियो देखनी और वीडियो लाइक करनी, और वीडियो बाद में अगर पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करना। जानकारी बहुत ज़बरदस्त है, एक्सपीरियंस है, वीडियो नीचे पड़ेगी बहुत सारी मेरे, देख लो जाके, कैप्टन वाइस कैप्टन सब बता रखे मैंने वीडियो में, आप चैनल पे विजिट करो और जाके देखो। तो दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गया, दोस्तों एक स्ट्रक्चर इधर मैंने बनाया आपके सामने। दोस्तों, ये टीमें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11। दोस्तों, ये 22 प्लेयर हैं आपके सामने। 22 प्लेयर में से हमें कितने लेने हैं अपने? हमें 11 प्लेयर अपने लेने हैं टॉप मोस्ट। तो दोस्तों सोच, अब बात करूंगा सोच की। 96% लोगों की सोच क्या है और 4% लोगों की सोच क्या है जो उन्हें लाखों करोड़ मिलते हैं और आपको 49 रुपये मिलते हैं। दोस्तों, 96% लोगों की सोच है ना, वो सोच है पहला बैट्समैन, दूसरा बैट्समैन, तीसरा और चौथा। ये चार बल्लेबाज ऊपर के टॉप बल्लेबाज हैं, ये बल्लेबाज परफॉर्म करेंगे और वो इनको अपनी टीम में पिक कर लेते हैं। इससे उन्हें मतलब नहीं है, ये और ये, इसको वे ख़त्म या बेकार समझ के छोड़ देते हैं। और बॉलर में से भी वो दो बॉलर निकालते हैं यहाँ से जो टॉप मोस्ट होंगे। तो दोस्तों, ये 96% लोगों की सोच है। बाद में क्या होता है, उनको मिलते हैं 49 रुपये या उनके 49 भी चले जाते हैं। 4% लोगों की सोच क्या है दोस्तों? 4% लोग सोचते हैं कि 49 रुपये के लिए नहीं खेल ले, उनको लाखों करोड़ रुपये चाहिए थे, मेहनत कर रहे तो कुछ जीतना भी चाहिए उनको। तो दोस्तों, उनकी सोच होती है कि वो लेते हैं रिस्क। इन चार में से वो दो प्लेयर ही पिक करेंगे, तो प्लेयर 100% जिन लोगों ने लिया वो प्लेयर को उसको छोड़ने का रिस्क लेंगे, क्योंकि छोड़ने का रिस्क इसलिए लेंगे कि वो सबकी टीम में है, बाई चांस वो फ्लॉप हो गया तो इन 4% लोगों को तो बहुत ज़्यादा लाभ मिल गया उसका। वो चल गया तो इन 96% लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन इससे हो क्या रहा, 49 रुपये तो वापिस आ रहे। अगर वो आउट होता है तो ज़्यादा लाभ मिल रहा है। तो दोस्तों, 4% लोग सोच होती है रिस्क, इसको छोड़ के चलते हैं वो। और वो 96% लोगों ने तो ये प्लेयर भी छोड़ दिए, वो इनको भी अपनी टीम में पिक करेंगे, क्योंकि इनको कोई नहीं ले रहा है दोस्तों, इनकी परसेंटेज बहुत कम है दोस्तों, तो इनको भी टीम में लेके चलेंगे वो। 96% लोग क्या करेंगे, कैप्टन निकाल लेंगे यहाँ से, जो 96% लोगों की टीम में पिक होगा, रोहित शर्मा, शुभम गिल, जो भी आप समझो, उसको कैप्टन पिक करेंगे। और वो कैप्टन बन भी जाएगा, एंट्री में क्या होगा, एंट्री 49 की जगह 60 रुपये आ जाएंगे या 100 रुपये आ जाएंगे। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, ये लोग कैप्टन यहाँ से निकाल लेंगे जिसको कोई कैप्टन नहीं बना रहा दोस्तों। इनके 49 की गारंटी है, लेकिन इनके 49 रुपये आने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर ये कैप्टन बन गया तो इनके 49 रुपये लाखों रुपए बन के या 1,000 रुपये बन के इनके पास आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये सोच की बात होगी। अब आपकी समझ में आ गया होगा आपको कैसी टीम बनानी और आपको करोड़ रुपए कैसे विन करने। और डिटेल में आपको मैं समझाऊं तो
थोड़ा थोड़ा आपको रिस्क लेना होगा और आपको थोड़ा माइंड सेट करना होगा कि 49 रुपये के लिए मैं नहीं खेल रहा। लास्ट में आके लोग क्या सोचते हैं कि मेरी एंट्री वापस आ जा। दोस्तों अगर एंट्री के लिए वापस खेल रहे हो तो आप सिर्फ एंट्री के लिए खेल रहे हो और खेलते रहो, एंट्री मिलती रहेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं। टॉप मोस्ट प्लेयर पिक करते रहो, एंट्री लेते रहो। अगर लाखों करोड़ जीतने का सपना है आपका तो थोड़ा सा आपको रिस्क लेना होगा। मैं ये नहीं बोलता कि आप 10 या 20 टीम लगाओ, आप कम टीम लगाओ, एक दो टीम रिस्की बनाओ और उन प्लेयर को थोड़ा ड्रॉप करने का रिस्क लो जो सबकी टीम में ऑलमोस्ट होंगे। क्योंकि अगर वो प्लेयर चलेगा तो सबको लाभ मिलेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं 49 रुपये आने। अगर वो प्लेयर आउट हो गया तो आप उस कैटेगरी में जाओगे जो टीम रैंक ऊपर करने वाली है आज। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में नहीं आया फिर भी मैं आपके लिए वीडियो और लाऊंगा अच्छी अच्छी। मैं आपको कैप्टन और कैप्टन भी बताऊंगा तरीका बनाने का कि कौन सा कैप्टन कब कैसे बनाना। ज़बरदस्त वीडियो आने वाली दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।